कि महाराष्ट्र में गृह मंत्री है क्या, महाराष्ट्र में होम मिनिस्टर है क्या? क्योंकि आप देखिए इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। पुलिस स्टेशन में शिंदे गुट के बीजेपी के एक दूसरे के साथ मारामारी कर रहे हैं, गोलियां चल रही है। कुछ दिन पहले एक माजी नगर सेवक, एक अच्छे नगर सेवक को अपनी जान गंवानी पड़ी, गोली मारकर उनकी हत्या हो गई। ठीक है, आप देखिए नागपुर में गैंग कैसे घूम रहे, पूना में देखिए कोयता गैंग जो है वो घूम रही है। और आप थोड़े कल के ही वीडियो एक है जहां पर एक खुद विधायक एक नौजवान आदमी को बुरी तरह बेरहमी से मार रहा है। और अभी कल दो विधायक यहाँ मंत्रालय, जो विधान भवन है मंत्रालय के करीब, वहाँ जो सेशन चालू था वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है महाराष्ट्र में? तो सवाल ऐसा है कि जो हमारे गृह मंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, वो कर क्या रहे हैं? क्या होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र में? जहाँ तक हमें लग रहा है कि महाराष्ट्र में गृह मंत्री है ही नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें हो रही है। तो विधायक हो शिंदे ग्रुप के, बीजेपी के, उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई कायदा कानून है ही नहीं, हम जो चाहे कर सकते हैं, गोलियाँ चला सकते हैं, एक दूसरे को मार सकते हैं। और उन्हें देखकर दूसरे भी लोग जो है उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हम कुछ भी करें, कानून और कायदा जो है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं। और आप देखिए ना मंत्रालय में गुंडे घूम रहे, रील बना रहे। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता को ऐसा लगने लगा है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और सवाल ऐसा भी आ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में गृह मंत्री है क्या, और अगर है तो कहाँ है, और वो अपना काम क्यों नहीं कर रहे? और अगर काम नहीं कर सकते हैं तो गृह मंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने राजीनामा देना चाहिए। सर वही ये भी है सवाल उठ रहा है, जिस शिंदे गुट के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जिस तरह से सदन के अंदर या सदन के बाहर लॉबी में हाथापाई करते हैं। अब कई सारी मांगे उठ रही, कांग्रेस के नेता ने मांग उठाई कि दादा भूसे को तुरंत तत्काल मंत्री पद से हटा देना चाहिए, विधायक को सस्पेंड कर देना चाहिए। क्या अभी नहीं उस तो मांग हटाना ही चाहिए ना। एक मंत्री है, विधायक है, एक दूसरे के साथ, एक ही गुट के, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, वो भी विधान भवन के अंदर। गैंगवार शुरू हो गए फिर? तो कहीं ना कहीं तो मतलब ये गैंग वॉर जो रास्ते में हो रहा था, नागपुर में हो रहा था और पूना में हो रहा था, अभी कहीं ना कहीं तो ये विधान भवन में, जहां पर लोगों की सेवा करने के लिए हम जो है मिलते हैं, चर्चा करते हैं, इस तरह का काम वहां पर होना चाहिए। वो छोड़कर धक्का मुक्की कर रहे, झगड़ा कर रहे। तो जैसे मैंने पहले कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ती जा रही है महाराष्ट्र में, और गृह मंत्री जो है अपना काम नहीं कर रहे, उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। सर एक और सवाल जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आज महाराष्ट्र में हालांकि कार्यक्रम है वहाँ बारामती में, लेकिन हाल ही में हमने देखा था शरद पवार ने इन्विटेशन दिया डिनर का, एकनाथ शिंदे हो दोनों DCM हो, लेकिन अब जो सामने आई खबर कि नियुक्ति जो डिनर पार्टी था, जो इन्विटेशन दिया गया था खाने के लिए, उस पर एकनाथ शिंदे दोनों पुलिस ने अस्वीकार कर दिया। सबसे पहली बात तो एक बहुत छोटी सोच वाली बात है कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष शरद पवार साहब एक खुद खासदार है, एक वरिष्ठ नेता है, उनको पहले तो न्योता नहीं दिया गया था। ठीक है, वो न्योता ना देने के बाद प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया, न्योता नहीं दिया। ठीक है, फिर आदरणीय पवार साहब का बड़प्पन है कि उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को भोजन के लिए निमंत्रण किया था। अभी उन्हें जो है फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी और अजीत दादा पवार जी जो है उनको मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई हम वहाँ जाएंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। लेकिन देखिए आदरणीय पवार साहब तो कद्दावर नेता है, बहुत वरिष्ठ नेता है, तो उनके सामने तो ये नए है ना। तो उन्होंने इन जो बड़प्पन दिखाया, उनका स्वागत करके वहाँ जाके मिलना चाहिए था, स्नेह भोजन में साथ आना चाहिए था, लेकिन वो डर कर या छुप कर भाग गए। ऐसा कौन सा उनका शेड्यूल है कि भाई एक थोड़े एक अर्धा एक एक बोलते ना एक घंटे भर के लिए वो खाना खा नहीं सकते थे? तो ये उनकी सोच है, हम क्या कर सकते हैं उसका। सर बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मल्लिकार्जुन कांग्रेस का जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन हो गया, जयराम रमेश हो गया, इनको लीगल नोटिस भेजा, और साथ ही 3 दिन के अंदर माफ़ी मांगने की बात की, अगर नहीं माफ़ी मांगते तो हम लीगल कार्रवाई करेंगे। हालांकि उन्होंने एक पोस्ट डाला था एक्स पे जो ट्विटर पे। देखिए कोई भी कुछ भी अगर पोस्ट करता है तो उसके पीछे तथ्य तो होना चाहिए, जरूरी है। लेकिन अगर किसी ने पोस्ट किया है और उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है तो जांच होनी चाहिए, जांच करने दीजिए। लेकिन बात ऐसी भी आती है जहन में, सवाल ऐसा उठता है कि क्या लोगों के जो एक बोलते ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्या आप रोकना चाहते हैं?
हर चीज में अगर आप जो सच्चाई सामने पेश करे, और बीजेपी के लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी सच्चाई सामने आती है तो तुम उनकी आवाज़ दबाओगे, तो ये तो गलत है ना। अगर उन्होंने कुछ किया है या पोस्ट किया है तो सोच समझ कर किया होगा। इस तरह से कोई मतलब कोई सादा कोई लोग है जो ऐसी जाके कर तो नहीं है। तो फिर भी अगर गडकरी जी ने अगर कोई मांग की है तो जांच कर दीजिए, लीगल जो है सामने आने दीजिए। लेकिन देश में अगर आप देखेंगे तो जो जो लोग सच्चाई बयान करते हैं और बीजेपी का जो गलत सामने लाते, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। सर, झारखंड में प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो करप्ट पर्सन है उनको वो विल गो टू जेल, मतलब उनको जेल में जाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं जो भी करप्ट है उनको जेल जाना चाहिए, तो अब ये जेल की परिभाषा क्या है वो तो समझाना चाहिए। जेल मतलब क्या, वॉशिंग मशीन है? क्योंकि आप देखिए, जिन जिन लोगों के बारे में करप्शन की बातें की थी उन्होंने, वो जाकर बीजेपी में शामिल हो गए, उनके ऊपर ना कुछ केस हुआ और ना कुछ आगे बात हुई। आपको मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक चुनाव रैली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अजीत पवार जी के बारे में 70,000 करोड़ बिल्कुल इस तरह उस तरह की बातें की थी, ठीक है, भले 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला किया करके उन्होंने बात की थी, लेकिन आज अजीत पवार जी उनके साथ में हैं तो वो क्लीन चिट दिया जा रहा है। तो करप्शन और जेल की बात करते हैं तो उसकी परिभाषा क्या है, क्या वो परिभाषा वॉशिंग मशीन है जेल की परिभाषा, ये समझाना चाहिए। और सर, वहीं बेंगलोर की बात करें, बेंगलोर में देखा, बेंगलुरु में एक आईडी ब्लास्ट हुआ है कैफे के अंदर। इस पूरी घटना को आप कैसे, हालांकि क्यों कांग्रेस से ज्यादा कर रहे हैं? देखिए, सरकार किसी की भी हो, ये चीज़ जो हुई है वो गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए। और कांग्रेस की जो सरकार कर्नाटका में, वो सक्षम है, वो अपना काम करेगी और जांच करके जो है सच सामने लाएंगे। देश भर में इस तरह से जो होता है उसका हम खंडन करते हैं, और हर तरह से जो जांच होनी चाहिए वो पूरी जांच होनी चाहिए। क्लाइंट्स इन महाराष्ट्र असेंबली, देयर इज अ स्कफल बिटवीन द टू ग्रुप, टू लीडर ऑफ सिंधी, वन इज एमएलए एंड अदर इज अ मिनिस्टर ऑफ सिंधी फैक्शन। सो हाउ लिव द स्कफल हैज बीन बिटवीन द टू लीडर इन असेंबली ऑफ लॉबी? सिंस द शिंदे गवर्नमेंट हैज कम इन महाराष्ट्र, इफ यू लुक एट द सिचुएशन इन महाराष्ट्र क्लियरली, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ दिस स्टेट हैज गॉन कंप्लीटली रॉन्ग। यू नो, पीपल फ्रॉम द बीजेपी शिवसेना आर फाइटिंग इन पुलिस स्टेशन, दे आर फायरिंग पिस्टल्स, यूजिंग देयर गन्स। ओके, अ फ्यू डेज अगो यंग एक्स कॉरपोरेटर वॉज शॉट डेड बिकॉज देर इज नो फियर ऑफ द लॉ। यू सी वॉट इज हैपनिंग इन नागपुर, गैंग्स आर रोमिंग फ्रीली। इन पूना कोयता गैंग इज रोमिंग फ्रीली। ओके, येस्टरडे देर आर विजुअल्स ऑफ एन एम एल ए बीटिंग अ यंग मैन मर्सीलेसली, एम एल ए, ओके, कनेक्टेड टू द गवर्नमेंट। देन अनदर न्यूज कमिंग इन येस्टरडे दैट दादा भूसे एंड अनदर एम एल ए दे वर फाइटिंग स्कफलिंग इन द लॉबी ऑफ द विधान भवन। नाउ विधान भवन इज अ प्लेस वेर यू कम टूगेदर टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ महाराष्ट्र, योर पीपल आर फाइटिंग हियर। सो द क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड इज दैट डज महाराष्ट्र हैव अ होम मिनिस्टर? वेयर इज द होम मिनिस्टर? इफ देर इज अ होम मिनिस्टर इन महाराष्ट्र, वाई इज ही नॉट डूइंग हिज वर्क? दिस इज द क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्क, बिकॉज लुक्स लाइक द होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर देवेंद्र फडणवीस इज नॉट केपेबल टू डू हिज वर्क, बिकॉज एवरीबडी इज फीलिंग फ्री। पीपल कनेक्टेड टू द बीजेपी, टू द शिंदे गवर्नमेंट, दे फील फ्री दैट यू नो वी कैन टेक द लॉ इन आर हैंड्स, nobody is going to question us, and the law and order situation is going completely out of hand. And seeing these people who are in places of so-called power, people who are public representatives, they are misbehaving like this. So even the other people are feeling free that, you know, if we do something wrong, the law will not take its course. So the home minister of Maharashtra needs to answer the people of Maharashtra that how is he unable or incapable to take care of the law and order situation. Therefore, is there a home minister in Maharashtra is the question, and very importantly, if the home minister Mr. Devendra Fadnavis cannot handle the situation in Maharashtra, then he must resign. He must say that I'm not capable to take care of the law and order situation and resign, because it's right in front of you. You see regularly things are happening and people are taking law in their hands. So I think home minister of Maharashtra should think and ask himself if he is capable to run his department. If not, then Devendra Fadnavis must resign. So now, Sanjay has given the statement that in earlier Mumbai there is a war is going on between two groups. Now,
there is a war, gang war is going on in the Sindapur. Absolutely, do you think that's correct? Absolutely, something like a gang war only, no? I explained to you about Nagpur, I explained to you about Pune. Similar situation, people are like, they are operating like gangs. You are firing guns in the police station. You are beating up a man mercilessly in front of public. Then you are fighting in the corridors of Vidhan Bhavan. So it's some sort of gang kind of system is going on. So I think that's where I say the Home Minister is missing. Is he existing or not is the question. Mr. Devendra Fadnavis should answer the people of Maharashtra why he is not able to take care of the law and order situation. Sir, talking about PM Modi has given the statement in the Jharkhand, a corrupt will go to jail. Sorry, the statement of the PM. See, the Honorable Prime Minister keeps saying that the corrupt people will go to jail. Now, we need an explanation as to what does jail mean. Does jail mean washing machine or does it mean a jail? Because all those people, they are accusing of corruption. Okay, once they join the BJP, there is no inquiry. They are getting clean chit. They are going scot-free. So the question is, does jail mean washing machine? Because I'll give you an example. That the Honorable Prime Minister had spoken about Ajit Pawar ji in a rally. He accused him of 70,000 crores of irrigation scam. He accused him. A few days later, Mr. Ajit Pawar joined the BJP camp. Now there are no questions. So if they are saying that the corrupt should go to jail, then please explain what the meaning of jail is. Does jail mean jail? Then we don't see anything happening because nobody is going to jail. Or does jail mean washing machine where they clean up all these tainted leaders and give them a clean chit? Sir, talking about Bengaluru, yesterday we have saw in cafe there is an ID blast. After the blast, Union Minister Prahlad Joshi has given the statement that if the Congress government has taken the assembly incident seriously, this incident would not be happened today. Fundamentalists are getting support from the Congress, and so all these things are happening. See, so how is the statement of Prahlad Joshi given the statement? See, accusations are being made which are very politically motivated. The fact is, what has happened in Bangalore is not acceptable. Anywhere in the country, this should not happen. And I think the Congress government is, capable enough to do an investigation, and investigation should be done. The safety of the citizens anywhere in the country, whether it's Bengaluru or anywhere, is very important. And giving it a political color, then there are a lot of answers that the Congress will also give them. But at the moment, we need to make sure the safety of the citizens are important. And the Congress government will definitely look into this. And whoever's the culprit or whoever's done this will surely be brought under the law, and the law will take its course. Sir, talking about Baramati, NCP Chief Sarad Pawar has given the invitation of dinner to CM and both DCM. But now we are getting a news that DCM Devendra Fadnavis and CM will not attend. See, firstly, not inviting Honorable Sharad Pawar Saab for that function shows that how small minded these people are. But now the invitation has gone, both are... The invitation went later. But initially the invitation was not sent. By protocol, he should have been called. He is the member of Parliament, Rajya Sabha. He is a senior leader. So he should have been invited. So this was the small-mindedness of the Chief Minister, Mr. Eknath Shinde, Mr. Devendra Fadnavis and Mr. Ajit Pawar. Then after that, when Mr. Pawar, invited them for lunch, they are saying they are busy. Somewhere they also are feeling that, they cannot stand in front of a stalwart like Mr. Sharad Pawar. And, they are feeling insecure about the whole thing. Therefore, they have not accepted the invitation. How busy are they? They are free to go anywhere. They are always going here and there. But one lunch, they are not. This is the culture of Maharashtra. They should have gone. But they also understand that, they feel that, insecure standing in front of a tall leader like Mr. Sharad Pawar. I think, both the deputy CM, Devendra Fadnavis and Mr. Ajit Pawar, and the CM, Mr. Eknath Shinde, have not fulfilled the customary sanskruti that we say of Maharashtra, the culture that we say of Maharashtra. They have not been able to fulfill that, and I think it is shameful somewhere. Sir, aakhri sawal janna chahiye Ajit Pawar ko leke jo humne dekha tha, EW ne ek jaanch shuru ki thi MHP ghotale ki lagbhag 25,000 crore ki. Ab EW ne Mumbai police ki jo economic offense wing hai, unhone C summary report file ki hai, unhone kaha ki saboot kuch mile nahi. देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया, उसी हिसाब से अजीत पवार जी के ऊपर भी पहले खूब दबाव डाल रहे थे, ये घोटाला, प्रशांत
प्रधानमंत्री जी ने भी उनके बारे में बात की, दूसरे लोग भी बात करें, यहाँ वहाँ सब कुछ उनके ऊपर, ये बैंक का घोटाला है, सिंचन का घोटाला, यहाँ वहाँ की सब बातें कर रहे थे। अब वो जाकर उनके साथ उन्होंने सरकार में हाथ मिला लिया है, तो अभी तो सवाल कुछ पूछ नहीं रहे। और ये सिर्फ उनके साथ नहीं, ऐसे कितने सारे लोग हैं, उनके लंबी फहरिस्त है कि सबके ऊपर दबाव इस तरह डालते, वो बीजेपी में चले जाते, जैसे हमने कहा वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पाउडर बीजेपी का आता है, उसमें धुलकर साफ हो जाते हैं और फिर उनपे सवाल नहीं किया जाता है। तो ये भी वही मामला है, पहले आप सवाल करो, दबाव डालो और फिर वो तुम्हारे तरफ आ जाएंगे, फिर उनको क्लीन चिट देना। तो ये भी वही चल रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस ने 2020 में भी इसी तरह का सिस्टम रिफाइल किया, बाद में 2022 में दोबारा इसकी जांच शुरू हुई और फिर वापस सिस्टम रिफाइल किया, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है तो जिससे कि आप, सरकार आपके बच सवाल में सके। ही जवाब है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं उनको अपने तरफ लेने का। अगर अगर करप्शन है, गलतियां हैं, तो उसकी सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं तो कोई सजा नहीं होती। इसी तरह का सिलसिला चल रहा है ना देश भर में, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, आप कहीं पर भी देखिए, बीजेपी वाले लोगों पे दबाव डालते हैं और केंद्रीय यंत्रणा काम पे आती है, फिर उसके बाद वो बीजेपी में चले जाते हैं, फिर बीजेपी में जाने के बाद सब भुला जाता है और खत्म। सर सेम क्वेश्चन इंग्लिश, मुंबई पुलिस ऑफ ईओडब्ल्यू हैज फाइल्ड ए सी समरी रिपोर्ट इन टू सेशन कोर्ट दैट दे डिडंट हैव गॉट एनी प्रूफ और एनी सबूत, सो हाउ डू यू दिस? सी, इफ यू लुक एट अक्रॉस द कंट्री, द बीजेपी पुट्स प्रेशर ऑन पॉलिटिकल लीडर्स, सेंट्रल एजेंसीज कम इन टू प्ले, एंड द सेम लीडर्स आर अक्यूज ऑफ स्कैम्स, अक्यूज ऑफ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। द वंस दे ज्वाइन द बीजेपी, एवरीथिंग इज फॉरगॉटन। द सेम थिंग इज विद मिस्टर अजित पवार। यू सेड नो दैट अर्लियर देर वॉज प्रेशर ऑन हिम, क्वेश्चन ऑफ बींग आस्क। Now they, I heard that you know there's going to be clarity and it's going to be cleared everything. So now the fact that Mr. Ajit Pawar has joined the side of the BJP, everything is clear, and the Honorable Prime Minister also has had accused, right, Mr. Ajit Pawar. Now what happened? So everywhere across the country, they put pressure on these leaders. When they join the BJP or on the side of the BJP, everything is forgotten and a clean chit is given. ये मान के चलिए, can we say कि ये सब खिलवाड़ है, सिर्फ पुलिस का दुरुपयोग, जो पुलिस नियंत्रण आता है? नहीं, हम तो कहते ही आ रहे कि खिलवाड़ हो रहा है ना, कि अगर किसी ने गलती की है तो उसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी में जाने के बाद उसकी जांच क्यों बंद होती है, तो सवाल है ना देश भर में, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, आप देश भर में देखिए, सवाल उठाते वो बीजेपी में जा चले जाते या बीजेपी के कोई दल के साथ मिल जाते और सवाल पूछना बंद हो जाता है। तो ये तो खिलवाड़ ही हो रहा है।